Hello friends, I am Amit Gupta, Assistant Professor of BI College Pharmacy. Today we study to study the handling of technique of experimental animals and their route of drug administrations. आज का ये ऑब्जेक्ट है, तो स्टार्ट करते हैं पहले हैंडलिंग ऑफ माइस. कैसे हम हैंडलिंग को वैस करते हैं, माइस को हैंडल करते हैं. माइस को हैंडल करने के लिए पहले हम माइस को केज से बाहर निकालेंगे. माइस को केज से बाहर निकालने के लिए हम उसको पहले टेल से अगर उठाएंगे तो ईज़िली हम टेल से ऑपरेट कर सकते हैं और उसको फिर बाहर निकाल लेंगे. उसको थोड़ा फैमिलियाइज कराएंगे अपने हैंड पर रखने के बाद में, और फिर हम उसको नेक जो होती है नेक के बिहाइंड उसको ग्रिप करते हैं और उसे उठा लेते हैं. तो इस तरीके से क्या होती है, हम माइस की हैंडल कर सकते हैं. नेक को ग्रिप कर लेते हैं और टेल को नीचे से प्रेस कर लेते हैं जिससे इसकी लेग होती है वो आगे नहीं कर सकता, और हम कंप्रेस कर रखते हैं नेक से भी और टेल से भी. ये हैंडलिंग हो गई. अब आते हैं हम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, आईपी रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. आईपी रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो उसमें हम आईपी मतलब इंटरपैरेटोनियल कैविटी में हम ड्रग देते हैं, तो उसके लिए हम हैंडलिंग उसी तरह करेंगे. उसके नेक से हम ग्रिप करेंगे और टेल को नीचे फिंगर्स में प्रेस कर लेंगे. फिर हम देखेंगे जो इंटरपैरेटोनियल कैविटी होती है वो चेस्ट से नीचे होती है, और चेस्ट से नीचे जो पार्ट ऑफ इंटरपैरेटोनियल कैविटी है तो चेस्ट के नीचे जो मिड पार्ट है वहाँ पर हम उसको मार्क करेंगे, और चेस्ट से नीचे जो मिड पार्ट है वहाँ पे हम ड्रग इंजेक्ट करते हैं. ड्रग जब इंजेक्ट करेंगे तो हम कुछ ही सेंटीमीटर, मिनिमम सेंटीमीटर 1 या 2 सेंटीमीटर इंसर्ट करते हैं नीडल को, और इस तरीके से हम ड्रग इसको इंजेक्ट कर देते हैं इंटरपैरेटोनियल कैविटी में. ठीक है, तो ये हो गया आपका इंटरपैरेटोनियल कैविटी में रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट की ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. तो ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या है इसको देखते हैं. तो ओरल रूट को करने के लिए हमें पहले एक ओरल कैनूला की ज़रूरत होती है. ओरल कैनूला की हेल्प से हम रैट के अंदर ड्रग इंसर्ट करेंगे. उसके लिए पहले हम रैट को केज से बाहर निकालेंगे. केज से बाहर निकालने के बाद में हम जैसे आपको बताया ग्रिपिंग हैंडलिंग कैसे करते हैं, उसकी ग्रिप करेंगे जस्ट नेक के पीछे और टेल को अपने हैंड में प्रेस कर लेंगे. अब उसकी उसका माउथ को इस तरह से इंजेक्ट करते हैं कि माउथ उसके चेस्ट में बिल्कुल सामने हो. अब अंदर हम कैनुला इंसर्ट कर देते हैं. कैनुला इंसर्ट करते ही इस तरह इंसर्ट करेंगे कि उसकी इंटरनल इंजरी ना हो, और फिर हम कंप्रेस कर देंगे सिरिंज को और पूरा लिक्विड होगा वो उसके ओरल कैविटी में, ओरल कैविटी के थ्रू स्टमक में पहुंच जाएगा. तो ये हो गया आपका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ओरल रूट. ठीक है, थैंक यू. वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए.